किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। ते संसद सैशन दे 6वें दिन लोकसभा ते राज्यसभा दोवां सदनां विच राष्ट्रपति दे भाषण ते अते धन्नवाद मते ते चर्चा कीती गई, जिस नूं लै के संसद अंदर खूब हंगामा भी देखण नूं मिलिया। संसद दे सैशन दौरान MP राहुल गांधी ने किसानां दा मुद्दा चुक्या, जिस दौरान सरकारी पक्ष दे मैंबरां वल्लों खूब हंगामा कीता गया। दरअसल राहुल गांधी किसान अंदोलन सने सरकार दीआं कथित नीतियां ते सवाल चुक रहे सी। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। किसानों को आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। यह आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2), इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए, चाहे वो किसानों के लिए कर रहे हैं। यह आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान अंदोलन अते 3 खेती कानूनों का मुद्दा चुकया ते इल्जाम लगाया कि किसानों नूं MSP देने की बजाय भाजपा सरकार वालों उन्होंने अतवादी कहा गया, जिसका के विरोध खुद गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। उत्थे ही राहुल गांधी ने हरियाणा वालों दूजे किसान अंदोलन दौरान बंद किए शंभू बॉर्डर का जिक्र भी किया। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिवजी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है।
हरियाणा में दो जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो आप बात नहीं करते, आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता इन आके पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलआई सिर हिला रही है, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं, देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे, वो सहमत हैं। माननीय बोला था नो, माननीय सदस्य किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा, दोगे पूरा सर, स्पीकर सर किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने सिर्फ किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयान ही कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है, जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी अभी लीगल गारंटी फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी, ये बताएं जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी? माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे, ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं बराबर स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर, द इशू इज एमएसपी विद लीगल गारंटी, नॉट जस्ट एमएसपी, एमएसपी इज बीइंग गिवन, द इशू इज किसान्स वांट
MSP with legal guarantee which you are not ready to give them. हालांकि इस मामले ते खूब हंगामा होया पर दूजे पासे राहुल गांधी ने सदन अगे जोर शोर नाल किसानां दे तमाम मुद्दे रखे। एक पासे जिथे राहुल गांधी ने किसानां दा मुद्दा सदन च चुकिया उत्थे ही नीट दे पेपर नूं लैके भी सरकार नूं घेरन दी कोशिश कीती। ब्यूरो रिपोर्ट सेंट्रल पंजाब टीवी।